हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसके इलेवन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाइजीरिया ओमेन वर्सेस राउंड ओमेन के बीच में जो मैच खेले जाएंगे उसी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों टीम का मैच विनिंग प्रेडिक्शन को लेकर बात की जाए तो राउंड के जीतने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, यहाँ पर 55% मान के जा सकते हैं, और नाइजीरिया के जीतने का चांस 45% रहेंगे। तो टॉस तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आपको पता है ऐसे मैचेस में टॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो भी टीम पहले बॉलिंग करेंगे उस टीम का मैक्सिमम बॉलर्स को टीम में पिक करना होता है, और उन्हीं में से कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको ट्राई करना होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर टीम बनाने की कोशिश करते हैं के लिए, और आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा पिक रहेंगे जो आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पिक होने वाला है। ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन में जब देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलेंगे, पर दोस्तों पे कोई भी खास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए एस वेयर अगर खेलेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली टू डाउन या फिर थ्री डाउन पे आ सकते हैं, या फिर कभी कभार ओपनिंग के लिए भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन है नाइजीरिया की तरफ से ए एगा, और इनको भी पिक करना है, बिल्कुल पिक कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए एस वेयर के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में दोस्तों एलपीटी अभी तक इस सीरीज में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है नाइजीरिया की तरफ से, तो ये भी बहुत ही बढ़िया पिक रहेंगे। नाइजीरिया जब पहले बॉलिंग करेंगे तो आप इस खिलाड़ी को कैप बी सी भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। जी देखिए जी ई सी में ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, लेकिन इन्होंने दोस्तों इस सीरीज में अभी तक एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इनको पिक करके जा सकते हैं, क्योंकि एज अ बैट्समैन प्ले कर रहे हैं और अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उनको भी अभी के लिए पिक किया हूँ। यहाँ पर देखिए ई सांडी दोस्तों लास्ट मैच में बहुत ही अच्छा पारी खेले थे, आप इनको पैक कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इनको पिक नहीं करूँगा। इस सांडे काफी बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन इनको काफी ज्यादा नीचे डिमोट किया जा रहा है, तो इसी के चलते मैं इनको पिक नहीं करूंगा। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन रहेंगे जो बहुत ही ज्यादा डिफरेंशियल पिक रहेंगे इस मैच में, यहाँ पर देख सकते हो ओसान ओमानी को सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, और एक खिलाड़ी आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे इस मैच में, क्योंकि आपको चार ओवर की फुल बॉलिंग देंगे तो आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। मैंने आपको हर एक वीडियो में यही बताता हूँ कि ऐसे मैचेस में जो भी बॉलर चार ओवर की फुल बॉलिंग करेंगे ऐसे बॉलर्स को आप कभी भी अपने टीम से ड्रॉप मत करना। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर देखिए एफ ए सी बी को बहुत अच्छा पिक रहेंगे, बेलिसा मुरा कितने फिर एच एस में, ये दोनों तो आपकी टीम में होना ही चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपकी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बहुत ही बढ़िया पिक रहेंगे। आई रोजिन यहाँ पर बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, मैं उनको भी पिक करूँगा, क्योंकि ये भी चार चार ओवर की फुल बॉलिंग दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में और भी दो ऑप्शन आएंगे, बी ए टीम और ए पे एम बी अमिना, ये दोनों दोस्तों अपने अपने टीम का कैप्टन है, लेकिन दोनों ने अभी तक कुछ भी किया नहीं। ठीक है, देखिए बी ए टीम भी बॉलिंग नहीं करेंगे और यहाँ पर एम बी अमिना भी बॉलिंग नहीं करेंगे, और बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, तो मैंने यहाँ पे दोनों में से किसी को भी पिक नहीं करूँगा। ये पर नीचे कोई भी खास नहीं है। बॉलिंग सेक्शन में अगर ये दोनों खेलेंगे तो दोनों को पिक कर लेना, अगर दोनों में से कोई एक खेलेंगे तो उनको भी पिक कर लेना, क्योंकि दोनों ही बहुत ही बढ़िया बॉलर है, जो भी खेलेंगे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों पे एम भूमिला को आप गलती से भी ड्रॉप मत करना, सिलेक्शन देखिए बिल्कुल भी नहीं है। ये खिलाड़ी आपको इस मैच में जी एल जी तक दे सकते हो, जी एल दोस्तों एक खिलाड़ी बहुत ही बड़ा ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, स्पेशली आप बी को जरूर ट्राई कर लेना जी एल में। ठीक है, तो मेरा पहला पिक दोस्तों एम भूमिला ही रहेंगे। यहाँ पर देखिए पी आबोगे रहेंगे, आप इनको बैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आर अब्दुल सलाम इनको बैक कर सकते हैं, आर सैमसन को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इनका ओवर मैक्सिमम टाइम कट कर दिया जाता है, तो मैंने यहाँ पर पिक करूँगा दोस्तों पे जे नया खरा को और यहाँ पे आई महामीना को। ठीक है, इस कैप्टनसी के लिए अगर बात की जाए तो कैप्टन से मैं एक चीज़ में को दूंगा, और कैप्टनसी मैं अभी के लिए दोस्तों बेलिसा मुरा कितने को बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन देखिए नाइजीरिया जब पहले बॉलिंग करेंगे ना तो दोस्तों एल पी टी बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, टॉप ऑर्डर में बैटिंग दे रहे हैं, चार ओवर की फुल बॉलिंग, तो ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे वाइस कैप्टन के लिए, आप इनको बिल्कुल बना के जा सकते हैं। तो मैं टॉस के अकॉर्डिंग दोस्तों फाइनल टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन भी चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे कोई प्लेयर भी चेंज हो सकता है। तो टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो जाकर पहले ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो की फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में एस वेरा को पिक किया हूँ, बैटिंग सेक्शन में एल पी टी, फिर देखिए यहाँ पे ओशन को पिक किया हूँ, फिर देख सकते हैं जी इसमें को पिक किया हूँ, जी इसमें की जगह आप एक्स्ट्रा बॉलर को भी आप लेके जा सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में एफ ईसीबी को पिक किया हूँ, फिर देखिए एच एस एमी और बेलिसा को पिक किया हूँ, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आई रोजनी को पिक किया हूँ, आई रोजनी भी दोस्तों वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही अच्छा पिक रहेंगे, और बॉलिंग सेक्शन ये तीनों खिलाड़ी एज ए वाइस कैप्टन आप जरूर ट्राई कर लेना जी एल में, बारी बारी में सेम टीम में इनको कैप्टन रख के इन सारे खिलाड़ी को आप जी एल में भी से ट्राई करते जाइएगा। ठीक है, तो आई मोहमिना फिर देखिए जे नायकोरा और यहाँ पे दोस्तों एम भूमिला को मैंने पिक किया हूँ। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ पर ज्वाइन होना है, अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो देखिए इस बात के जल्दी से आइए और ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि फाइनल जो टीम रहेंगे फाइनल जो अपडेट्स रहेंगे वो आपको यहीं पर मिलते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों आप हमारे टीम से कंटिन्यूसली खेलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारे मैचेस की कवरेज आपको बिल्कुल इसी चैनल में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो मैच था उगांडा वर्सेस केनिया के बीच में चल रहा है वो आप देखिए लाइव रैंक दोस्तों यहाँ पर मेरा 5 चल रहा है खुद देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 81 के मेंबर्स हैं और ये पे फर्स्ट प्राइज पे 1 लाख का प्राइज है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ऐसे ही दोस्तों टिप्स वगैरह मिलते रहेंगे इस चैनल में, और वही टिप्स बोलता हूँ जो टिप्स मैं खुद फॉलो करता हूँ, मेरा काफ़ी सारे यूजर ने ग्रैंड लीग जीत चुके हैं, अगर आपको भी ग्रैंड लीग जीतना है तो वीडियो को देखा करो, वीडियो में बताया गया टिप्स को फॉलो करो, आप जरूर ग्रैंड लीग जीतोगे। आई मास्टर एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में खेलोगे तो हमेशा अपने आपको प्रॉफिट में ही पाओगे। 3-4-5 मेंबर्स के लिए बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, जब खेलोगे आपको पता चल जाएंगे, और यहाँ पर डिपोजिट ऑफर भी बहुत ही शानदार चल रहा है, लास्ट डेट आप देख सकते हैं 14 जून, इसी लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इस डिपॉजिट ऑफर का भी फायदा उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल खेलोगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप प्रॉफिट में रहोगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।